जय भीम, मैं अर्जुन सिमोलिया। दोस्तों, अब उत्तर प्रदेश में होने जा रहे 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने खास रणनीति के तहत अब लगभग सभी सीटों पर अकेले ही प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। हमने जैसा कि आपको पहले भी बताया था, इस बार आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर काफ़ी ज़्यादा मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। जो 10 सीटें हैं उन पर आजाद समाज पार्टी लगभग प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी अब आगामी चुनाव को लेकर सोशल मीडिया पर बहुजन समाज पार्टी को काफ़ी ज़्यादा मजबूत करने के लिए संघर्ष करने में जुटे हुए हैं। मध्य प्रदेश में सभी 53-54 जिलों में जो है आईटी सेल का गठन चालू हो चुका है और इसकी शुरुआत बीएसपी नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के द्वारा गुना जिले से हुई है। गुना में जो है बीएसपी पार्टी का आईटी सेल तैयार किया गया है। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जिसे आप देख सकते हैं, स्कैन करोगे तो सीधे आप बीएसपी गुना के जो पदाधिकारी हैं, जो भी उनकी तरफ से बात आप लोगों तक सीधी पहुंच सकती है बीएसपी पार्टी के कार्यकर्ताओं तक। तो बहुजन समाज पार्टी जो सोशल मीडिया पर कम फोकस करती थी, लेकिन अब आकाश आनंद के द्वारा बीएसपी को सोशल मीडिया पर मजबूत करने के लिए और अपने कार्यकर्ताओं तक सीधे बात पहुंचाने के लिए अब इस तरह से एक बड़ा कदम उठाया गया है, जो बहुजन समाज पार्टी को आगे जाके काफ़ी ज़्यादा लाभ पहुंचाएगा और बहुजन समाज पार्टी को चुनाव में इससे काफ़ी ज़्यादा मदद भी मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, उसमें बहुजन समाज पार्टी और चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी, दोनों ही पार्टियां ज़मीनी स्तर पर मेहनत कर रही हैं। आज़ाद समाज पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, दोनों ही पार्टियां प्रत्याशी उतारना शुरू कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी बीजेपी भी काफ़ी ज़्यादा मजबूती से चुनाव लड़ रही है। चंद्रशेखर आज़ाद जी जहां एक साइड यह बात बोल रहे हैं कि हमारी सीधी टक्कर भाजपा से है, तो वहीं बीएसपी भी पीछे नहीं है। बीएसपी ने अखिलेश यादव के गढ़ मैनपुरी की जो करहल विधानसभा सीट है, जहां पर इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने हाल ही में रमेश साक को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बीएसपी के जो पदाधिकारी थे उन्होंने मैनपुरी जाकर इस बात की घोषणा की कि जो करहल विधानसभा सीट है वहां पर बीएसपी के प्रत्याशी रमेश साक होंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा मजबूत प्रत्याशी बीएसपी की तरफ से माने जा रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव की पार्टी के द्वारा तेज प्रताप को यहां से टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा गया है, लेकिन आजाद समाज पार्टी जो अकेले अपने दम पर इस बार हुंकार भर रही है, अकेले अपने दम पर मैदान में इस बार चुनाव लड़ रही है। 10 की 10 सीटों पर अकेले जो है सभी प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। हाल ही में आजाद समाज पार्टी के द्वारा जो नितिन चौटेल वाल्मीकि हैं, उनको खैर विधानसभा सीट जो अलीगढ़ जिले के अंतर्गत आती है, खैर विधानसभा सीट 71 नंबर है, यहाँ से आपको बता दें कि नितिन चौटेल वाल्मीकि को आजाद समाज पार्टी के द्वारा प्रत्याशी घोषित किया गया है। बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद लगातार, चाहे मुस्लिम वर्ग से आने वाले व्यक्ति हों या ओबीसी वर्ग से आने वाले कोई नेता हों, कार्यकर्ता हों, पार्टी से संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हों या वाल्मीकि या किसी भी समुदाय से जुड़े हुए व्यक्ति हों, लेकिन वो अगर अपने क्षेत्र में अच्छी पकड़ रखते हैं, जनता के बीच उनकी एक अच्छी पहचान है और जनता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जमीनी स्तर पर मेहनत करते हैं, तो उनको आजाद समाज पार्टी के द्वारा टिकट दिया जा रहा है। अगर आप सूची देखेंगे आजाद समाज पार्टी की, तो उसमें एससी के लिए भी टिकट दिया गया है, एसटी समाज से आने वाले व्यक्ति को भी टिकट दिया गया है, मुस्लिम समाज से आने वाले व्यक्तियों को भी टिकट दिया गया है और जो ओबीसी वर्ग के कार्यकर्ता हैं, उनके नेता हैं, उनको भी टिकट दिया गया है। यानी कि यहाँ पर आजाद समाज पार्टी सभी वर्गों को बराबर हिस्सेदारी देते हुए टिकट वितरण कर रही है। आजाद समाज पार्टी में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही अपनी ही जाति के व्यक्तियों को टिकट देने का काम किया जा रहा है। इसलिए देखना पड़ेगा कि आजाद समाज पार्टी किस तरह से
सभी लोगों को, सभी कार्यकर्ताओं को, सभी नेताओं को ध्यान में रखते हुए जो है अपने प्रत्याशी घोषित कर रही है। वहीं बीएसपी ने भी लगातार प्रत्याशियों की सूची एक के बाद एक जारी कर दी है। जैसे कि हमने आपको बताया कि करहल विधानसभा सीट पर आजाद समाज, जो बहुजन समाज पार्टी है, वहां से रमेश साह को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा गया है। फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट करें। बहुजन समाज से जुड़ी इसी तरह की लगातार खबरें हम आपके बीच रखते रहते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद है, निष्पक्ष पत्रकारिता पसंद है आपको, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप हमसे सीधे बात करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पेज अर्जुन नैतिक टीवी को फॉलो करें। ट्विटर यानी एक्स पर हमें अर्जुन नैतिक टीवी के नाम से अकाउंट है, उस पर भी फॉलो करें। सीधे बात आप हमसे कर सकते हैं और जो खबरें यहाँ हम नहीं दिखा पाते हैं वो वहाँ दिखाने का काम करते हैं। फिलहाल मिलते हैं किसी अन्य खबर में। साथियों, धन्यवाद।